हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और इन माय न्यू वीडियो। बेसिकली आज कुछ आई नो कि मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो लेके आई हूँ, वो भी आप लोगों ने टाइटल से पढ़ लिए है कि आज मैं कौन सा लुक करने वाली हूँ। हाँ, सो यस, मैं आज करने वाली हूँ सारी मेकअप लुक, जो कि मेरे को बहुत ही टाइम से करने का मन था बट टाइम नहीं मिल रहा था ऐसा मेकअप लुक करने के लिए। और मैं इस मेकअप लुक को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में करने वाली हूँ, लाइक मतलब यू नो, एक स्मूथ, एक ब्यूटीफुल, यू नो, यूनिक एंड ग्लोइंग मेकअप लुक करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल होगा। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फिर पूरे वीडियो को देखो और अपना प्यार बांटते रहो। सो आज का जो वीडियो है वो आप लोग समझ चुके हैं, मेकअप वीडियो है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए तो यूट्यूब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एज यू नो, मैंने फेस वॉश कर लिया है और अगर बैकग्राउंड का कोई भी नॉइस आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना लिनसॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र। अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं लिनसॉफ्ट का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो हम फटाफट से लगा लेते हैं। अब मैंने जैसे मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, उसके बाद आपको पता है मॉइस्चराइज़ के बाद आप हमेशा प्राइमर यूज़ करिएगा, जो कि आपके जितने भी ओपन पोर्स है उसको वो ब्लर कर देता है और आपके जो मेकअप लुक है उसको बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है। और लाइक जैसे होता है ना, कभी कभी हमारे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं ये एरिया, लाइक जिधर भी हमारे ब्लैक हेड, वाइट हेड्स होते हैं तो वो पोर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो वो उसको क्या कर देता है, छुपा देता है, ब्लर कर देता है। तो फटाफट से हम प्राइमर लगाते हैं। आई एम यूजिंग दिस इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। एंड वन मोर थिंग, मैं किसी भी ब्रांड को भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं आप लोगों तक अपना वीडियो पहुँचाने के लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ और ऐसे करके आपको एक एक प्रोडक्ट दिखा रही हूँ कि आप लोग एक ईजी अच्छा मेकअप लुक कैसे कर सकते हैं। गाइस, आई हैव डन विथ प्राइमर और इसके बाद जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, 5 मिनट्स बाद हम वेट करेंगे थोड़ा प्राइमर को ओपन पोर्स तक पहुँचने में, तब तक हम अपना फाउंडेशन देखते हैं हम कौन सा लगाएंगे। जैसे 5 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद मैं लगा रही हूँ लॉरियल का ट्रूली मैच फाउंडेशन, जो कि बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है समर्स के लिए। तो मैं आपको ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको आप ऐसे करके टैप टैप करके लगा लीजिए, मतलब 24 आवर्स तो ये रहता ही है। सीरियसली, मैं एक बार एक वेडिंग में गई थी तो ये मतलब इतना गर्मी था बट ये जो फाउंडेशन है ये बिल्कुल भी नहीं हिला। मीन्स मतलब होता है ना, जैसे फाउंडेशन और फाउंडेशन क्या होता है, एकदम से दिखने लग जाता है केकी किसा हो जाता है, क्रीज हो जाता है पूरा फाउंडेशन, बट ये फाउंडेशन बिल्कुल भी उसी तरह से, जिस तरह से मैं पूरा मेकअप करके गई थी एक ग्लोइंग ब्यूटीफुल सा, वो वैसे का वैसे ही रहा और इसलिए मुझे ये पसंद है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लाइक 600-700 के बजट में आपको मिल जाएगा। अगर आप नायका से लेंगे तो आपको कभी ये 650-700 के बीच में पड़ जाता है, क्योंकि नायका में बहुत सारी ऑफर्स लगते हैं, सेल्स लगती है, तो उसके बीच में ही आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं हुडा ब्यूटी का ये ब्लेंडर, जो कि मैंने पहले ही, ओ माय गॉड, जो कि मैं आपको लोगों को दिखाने के लिए ये थोड़ा नहीं, मतलब ये पूरा वेट करना पड़ता है ब्यूटी ब्लेंडर, और ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ऐसे कर रही थी कि पानी, मतलब हमको इसको अच्छे से क्या कर लेना है, इसके पानी को निकाल देना है। ऐसे ही आप इसके पानी को आप अच्छे से इसको मतलब थोड़ा सा मतलब गीला करना है, बट इसको क्या करना है, अच्छे से क्लीन कर देना है ताकि ऐसा फ्लपी फ्लपी सा हो जाए। और अब हमें इससे मेकअप को क्या करना है, डैप करना है। और सबसे अच्छी बात, ये फाउंडेशन एक ही स्ट्रोक में पूरा फेस कवर कर देता है, लाइक देख सकते हैं आप पूरा फेस मेरा और यहाँ तक कि नेक पोर्शन भी एकदम अच्छे से कवर हो चुका है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा और लगाने के लिए तो आप लगा सकते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप करने वाली हूँ क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा शूट करना है और ये भी शूट चल रहा है, इसके बाद मैं फोटो पिक्चर्स और रील्स बनाने वाली हूँ, तो हम बहुत ज़्यादा यू नो सिंपल सा मेकअप लुक रखेंगे। इसके बाद जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर, दैट इज़ मेबलिन फिट मी का कंसीलर, जो कि मेरा शेड है 25 मीडियम। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि मेरे कौन से शेड मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम आई शेडो में ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं तो हम आईज़ को अच्छे से
कंसीलिंग कर देंगे, अच्छे से कंसीलर हम लगा देंगे। बेसिकली हम कंसीलर इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारे हाइलाइटेड एरियाज हैं वो क्या हुए अच्छे से दिखे। जैसे मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े पिंपल हो चुके हैं क्योंकि मैं थोड़ा टाइम पहले बीमार थी, ज़्यादा मेडिसिन वगैरह मतलब डॉक्टर वगैरह ने रिकमेंड की, तो उसके बाद क्या हो गया बहुत ज़्यादा ये पिंपल्स निकल गए। तो हम यहाँ पर कंसीलर लगा के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ताकि ये क्या हो जाए ब्लर हो जाए, तब तक हम आई वर्क करते हैं अपना। कंसीलर को आपको बार बार टैप करके लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही ब्रश में पूरा आई कवर हो जाता है। हम इसको फटाफट से तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने कंसीलर लगाया था तो पूरा आई कवर हो चुका है कंसीलर से, देखिए कितने अच्छे से कवर हो चुका है। अब जो हमने ये भी लगाया था इसको भी हम क्या कर देते हैं अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं। अब जो है हम एक ट्रांसलूसेंट पाउडर लेते हैं, उससे हम अपने जो भी हमने कंसीलर लगाया उसको अच्छे से कवर कर देते हैं। एक्चुअली जैसे अगर हम विंटर टाइम पे अगर हम फेस पाउडर कम भी लगाते तो चलेगा, पर समर्स में हमको उस एरिया में ज़रूर पाउडर लगाना चाहिए जो एरिया हमारा बहुत ज़्यादा स्वेट करता हो, स्वेटिंग आता हो। तो मेरा बेसिकली ये वाला एरिया आता है, तो अभी तो इतना समर रहा नहीं है, चला गया है ऑलमोस्ट, बट इसको हम अच्छे से कवर कर देते हैं तो फेस हमारा कवर हो चुका है। उसके बाद जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं। सो जैसे आईब्रो एकदम अच्छे से सेट कर लिया है, उसके बाद जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं आई शेडो यूज़। सो मैं जो आई शेडो यूज़ कर रही हूँ वो है ये SFR का मेरा आई शेडो पैलेट, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी इसका रिव्यू देखा होगा। तो मैं आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा वाला आई शेडो यूज़ करूँ। मेरा जो साड़ी है मतलब आप लोगों ने टॉप का कलर देख लिया होगा, ये पैरेट ग्रीन, तो इसी तरह का मेरे साड़ी है डार्क ग्रीन और पैरेट ग्रीन करके। तो मैं यूज़ कर रही हूँ एक ग्रीन कलर एट द कॉर्नर। तो आपको इसको एक विंग शेप देना है, विंग वाला। तो ये जो ब्रश है इसको आपको ऐसे ऐसे वर्टिकल शेप में पकड़ के रखना है और फिर अपने कट क्रीज को भी हमने अच्छे से फिल करना है। अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि जैसे मैंने ये किया वही पहले हम इधर कर देते, फिर हम उसके बाद जो यूज़ करेंगे थोड़ा ब्लैक कलर भी यूज़ करेंगे थोड़ा अपना आउटर कॉर्नर को और अच्छा दिखाने के लिए। थोड़ा सा ब्लैक कलर हम अपने आउटर कॉर्नर में डालेंगे ताकि वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। जितना भी है ये आई शेडो बाहर की तरफ लगा है, हम इसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं पहले। तो जैसे कि क्लीन हो चुका है, अब हम क्या करेंगे जो ये वाला जो हमने एरिया अभी बचाया है इसमें हम ग्लिटर फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर। तो जैसे कि मैंने ग्लिटर फिल कर दिया है तो अभी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट अभी हमको क्या करना है आई लैशेस लगानी है और
तब जाके आई मेकअप बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो पहले हम आई लैशेज लगा लेते हैं अच्छे से, पहले हम लाइनर लगाते हैं बेसिकली, तो लाइनर ढूंढ लेते हैं पहले। सो मैंने जो है आई लाइनर लगा लिया, उसके बाद जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ ये आई लैशेज जो कि है 004, जो कि बहुत ही लाइट लैशेज है, इसमें मैंने ज़्यादा वाली लैशेज नहीं ली है। तो जैसे कि मैंने आई लैशेज लगा ली है, देखिए कितने प्यार से लग जाती है आई लैशेज, ऐसा कुछ नहीं करना होता। तो इसके बाद जो हमारा जो ये इनर वाटर लाइन है, इसमें हम ग्रीन कलर से अच्छे ग्रीन शेडो से अच्छे से फिल कर देते हैं ताकि हमारा आई शेडो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। आपको उसके लिए ये वाला ब्रश लेना होगा। मैंने नीचे फिल कर दिया, उसके बाद जो है मुझको काजल लगाना है, तो मैं काजल अप्लाई कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने काजल अप्लाई कर लिया है, उसके बाद जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है फेस पाउडर, जो कि मैं पूरे फेस में फटाफट से अप्लाई कर लेती हूँ। जो मैं यूज़ कर रही हूँ सुगर का ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, तो इसको हम फटाफट से यूज़ कर लेते हैं। सो गाइस, इसके बाद मैं इसी ब्रश के हेल्प से अपने नोज में कंट्रोल कर लेती हूँ। सो जैसे कि मैंने ब्रॉन्जर यूज कर लिया, उसके बाद जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है ब्लश। सो मैं फिटमी का ब्लश यूज कर रही हूँ। इसके बाद मैं यूज़ कर लेती हूँ फटाफट से हाइलाइटर। तो पहले जो मैं चीक्स में यूज़ कर रही हूँ वो है रोज़ गोल्ड वाला यूज़ कर लेती हूँ। और जो हमारे इनर आई कॉर्नर है वहाँ पे भी हम हाइलाइटर लगा लेते हैं। अब जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है वन ऑफ द लास्ट टाइप ऑफ मेकअप इज लिपस्टिक। सो आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज कि मैं कौन सा शेड लगाऊँ। सो गाइज, आई एम डन विद माई मेकअप। अब मैं फटाफट से एयरिंग ज्वेलरी, मतलब जो भी ज्वेलरी है वो, और मुझे तो ये आई लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और अपनी साड़ी पहन के आती हूँ। सो गाइज, दिस इज माई इजी बीजी मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। और ये रहा मेरा आई शेडो जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से किया है, और मुझे अपने ये वाले आई शेडो के ग्लिटर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं होप करती हूँ आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ना, कमेंट क्यों नहीं करते हो, कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ऐसे लगाओ। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, देखिए। आपको पता है
वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करना है, शेयर करिए, और मेरे न्यू वीडियो के अपडेट के लिए बेल बटन को भी हिट करके रखिए। तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय, सी यू सून, और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। और वन मोर थिंग, अगर आप लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई तो वैक्सीन लगाइए, स्टे सेफ, क्योंकि कोरोना का कोई भरोसा नहीं है, तो आपको खुद से अपना सेफ्टी आपको खुद से अपना सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे अलर्ट, स्टे ट्यून्ड, बाय।